नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं द होम्यो इनसाइट में। होम्यो इनसाइट माय यूट्यूब चैनल जो कि अभी आप लोगों का हो चुका है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है एक पुरुष या स्त्री दोनों का ही फायदे के लिए जो दवा है उसको बताएंगे। जनरली पुरुष का कोई भी मेल का कोई भी टेंशन हो सेक्सुअली रिलेटेड संबंधित, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डामिया प्लांट। देखिए तस्वीर में दे रहे हैं, इसके बारे में आज बताएंगे। पहले वीडियो अगला वीडियो में बताए थे रिक्वेग का R41 के बारे में, जो कि बहुत आप लोगों ने पसंद किए हैं, आज इसके बारे में बताएंगे। और अगला वीडियो जो आएगा इन दोनों या और कुछ जो है आपके लिए कौन सा अच्छा है उसके लिए भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं डामिया प्लांट। एक्चुअली पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं, यही एगो दवा है जो दोनों के लिए है और दोनों ही यूज कर सकते हैं। किस किस टाइम पे यूज करना है, किसको लेना है और किसको ले ही लेना है, आम आदमी ले सकता है कि नहीं, किसका बीमारी है वो तो ले सकता है, किसी को दिक्कत है वो ले सकता है, लेकिन आप जनरल हो और थोड़ा सा और एक्टिव करने के लिए आप ले सकते हो कि नहीं उसके बारे में भी बताएंगे। और क्या है कि किस स्थिति में आपको इसको नहीं लेना है, आपको प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसको नहीं लेना है, मतलब इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कहां पर हो सकता है, कितना हो सकता है कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन हम इसमें डिटेल्स बताएंगे जैसे कि R41 में भी आपको बताए थे। देखिए एक्चुअली इसका प्राइस कितना है पहले हम बोल देते हैं कि इसका प्राइस वही है कि मतलब कोई भी होम्योपैथी दुकान में जाइएगा तो अगर बोलिएगा कि हमको डामिया प्लांट चाहिए तो आपको लगभग 385 मतलब 385 रुपया लगभग लेगा, और कुछ भी बोलिएगा तो 19-5% या 10% लेस करके भी दे सकता है। कोई कोई दुकान देता है, कोई कोई नहीं देता है, लेकिन मिल जाता है मोटा मोटी, ये एक चीज है। और हर दुकान में कोई भी दुकान में जाइएगा, कोई डॉक्टर के दुकान में डॉक्टर के पास जाइएगा मांगिएगा तो दे देगा, कोई कोई दे देता है, और मेडिकल शॉप में जाइएगा तो भी मिल जाएगा। देखिए इसका काम क्या है, एक्चुअली होता क्या है, कोई कोई देखिएगा ऐसे ही नॉर्मल बताएगा कि सर हमको ना बहुत पेनिस स्ट्रांग नहीं हो रहा है और डिजायर जो है बहुत लॉस हो रहा है, तो थोड़ा उसके लिए तो हाँ आपका अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है मतलब पेनिस कड़ापन नहीं है लूज हो रहा है तो जनरली आपको सेक्सुअल रिलेशन ठीक होगा नहीं और बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, तो उस स्थिति में अगर आप हो तो फिर इसको आप ले सकते हो। और क्या है सेकेंड में, अगर प्री मेच्योर इजाकुलेशन हो रहा है मतलब इच्छा है तो जा रहे हैं आप मिलन करने के लिए लेकिन आपका पहले ही क्या है ईडी प्रॉब्लम हो रहा है मतलब कड़ापन नहीं हो रहा है, और जिसको कड़ापन नहीं होगा स्ट्रांग नहीं होगा तो उसका जनरली बहुत हद तक दाई रहता है कि उसको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन होगा ही होगा। तो अगर प्रीमेच्योर इजाकुलेशन रहे तो फिर आपको घर में तो शांति रहेगा नहीं, वाइफ सेटिस्फाइड होगा नहीं, तो घर में अगर बिल्ली पाल के रखिएगा और उसको अगर खाना ठीक से नहीं मिलेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वो बाहर वाला खाना तो उसको मांगेगा ही, तो खराब मत लीजिएगा लेकिन यही सही बात है। और अच्छा इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको ऐसे ना हो, मतलब घर में अगर किसी को खाना देना है और नहीं पाएगा तो कितना दिन तक भूखा रहेगा, बहुत दिन तक तो भूखा रहेगा नहीं, उसको जीना है तो जीना है तो फिर खाना है और नहीं तो फिर मरना है, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हो, खराब बात हम नहीं बोलेंगे, ये एक चीज हो गया। दूसरा क्या होगा इम्पोटेंसी, पहले क्या हो गया ईडी प्रॉब्लम इजाकुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है आपको क्विक इजाकुलेशन हो रहा है दो नंबर में, अब तीन नंबर में क्या होगा इम्पोटेंसी मतलब नपुंसकता, और एकदम जिसको बंगाली में धजबंग बोलता है, और यहाँ पर एकदम मतलब नपुंसकता यार कोई डिजायर है ही नहीं, अगर है तो खड़ा नहीं है, अगर खड़ा है तो क्विक इजाकुलेशन हो रहा है तो आपको बच्चा कैसे होगा। और इसमें क्या है कि अगर आप कहीं से भी बहुत दिनों तक बच्चा नहीं हो रहा है, नया नया शादी है 2-3 साल हो गया बच्चा नहीं हो रहा है, तो कोई डॉक्टर के पास जाके स्पर्म काउंट किए हैं तो उसमें दिखा रहा है कि नहीं बहुत कम है और जो भी है उतना भी अच्छा नहीं है, तो उस स्थिति में भी अगर इसको ले लीजिएगा तो बहुत हद तक इसको सुधार कर देगा। इसके साथ और भी कोई दवा लगेगा वो हम बता रहे हैं दे देते हैं, वो बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करेगा। दूसरा क्या है कोई भी जनरल वीकनेस अगर आपको है मतलब कोई भी जनरल वीकनेस हो, शरीर स्ट्रांग नहीं है, मसल्स ग्रोथ नहीं है, वीकनेस है मेंटली फिजिकली कहीं से भी हो, तो अगर इतना वीकनेस होगा तो शारीरिक मिलन तो होगा नहीं, फिजिकल रिलेशन आप कर नहीं पाइएगा, जो वीकनेस रहेगा वो कैसे करेगा, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। दूसरा क्या है देखिए एक्चुअली जिसका कोई कोई बोलता है कि सर हमको बहुत दिनों से नाइट फॉल्स का बीमारी था और अभी आके के सेक्सुअली प्रॉब्लम हो रहा है शादी करने के बाद, तो जिसका नाइट फॉल्स पहले हो रहा था
वो अगर इस दवा को खाएगा तो फिर उसका सेक्सुअल लाइफ ठीक हो जाएगा। दूसरा, अभी भी अगर नाइट फॉल्स का किसी का दिक्कत हो रहा है कि कोई कोई बोलेगा सर हमको रात 12 बजे के बाद से जो बहुत डीप नींद आ जाता है उसके बाद से किसी का सपना देख के और किसी को सपना ना देख के भी नाइट फॉल्स हो ही जाता है, तो वो बीमारी को भी ये दवा ठीक कर सकता है। और एक होता है क्या, स्पर्माटोरिया, वो क्या है, वो है अगर आप देखते हैं कोई कोई बताएगा सर हम यूरिन करने जाते हैं तो फिर चिपचिपा जैसा कुछ निकल रहा है, जैसे कि चीनी को अगर उबाल दीजिएगा तो गाढ़ा हो जाएगा तो फिर कैसे चिपचिपा आएगा, उस टाइप का आ जाता है। और कोई कोई बताया सर हम स्टूल जब करने जाते हैं या पैखाना जब करने जाते हैं तो थोड़ा सा अगर कोंद दे देते हैं या स्टेमिंग कर देते हैं स्टर्निंग के साथ, मतलब जोर लगा के अगर कोई स्टूल होता है, कभी कभी कड़ा स्टूल में ऐसा हो जाता है तो फिर पेशाब के रास्ता में सर धात मेरा निकल जाता है। ऐसा स्थिति भी अगर होगा, कोई बीमारी है, तो ये दवा आपको ठीक कर सकता है। तो इतना सब बता दिए, तो उसके बाद बताते हैं इसमें है क्या क्या मेडिसिन। देखिए इसमें हम बता देते हैं, एक नंबर है डामियाना जिसको टानाना भी बोलते हैं, जिंगसिंग है, एग्नास कस्टस है, नुफा लुटिया क्या है और मारिया पुमा है। तो जनरली ये सब जो दवा है ना, जिसमें ये जो डामियाना है इसका एक्शन है कि बहुत ज्यादा वीकनेस को और सेक्सुअली अगर कोई दिक्कत है उसको तुरंत ठीक करता है। और जिंगसिंग के बारे में बता देते हैं, बहुत महंगा दवा आता है, उसके साथ इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है, चाहे सेक्सुअल वीकनेस में तो काम करता ही है लेकिन शरीर में और एक काम करता है, वो है आपका शरीर में कोई भी इन्फेक्शन कोई भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है, इसीलिए इसको यहाँ मिसाया गया दिया गया है। और एग्नास है या मुफार है या तो फिर मारिया पुमा है, ये सब जनरली आपको सेक्सुअल वीकनेस में ही काम में आता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, इसीलिए सब कुछ मिला के एगो दवा आपको बनाया गया है। किसको लेना है, कितना हद तक खाइएगा, कितना दिन तक खाइएगा, किसको नहीं खाना है, इसके बारे में हम बता रहे हैं, आप सेकेंड स्टेज में देखिए। अब इसका यूजेज बता देते हैं, किसको खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। उससे पहले बोल रहे कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या कोई दिक्कत है। देखिए नॉर्मल आदमी, मान लीजिए कि एक नॉर्मल आदमी है, उसका सेक्सुअल लाइफ ठीक हो रहा है लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा सा और स्ट्रांग हो और अच्छा हो, तो वो आप इसको ले सकते हैं। या तो फिर शादी किए हैं लेकिन आपको माइंड में ये चल रहा है कि मेरा तो ठीक है लेकिन मेरा वाइफ जो है उसका सेक्सुअल डिजायर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, हमको बस आनंद नहीं मिल रहा है, तो उसको भी ये दवा दे देने से उनका भी सेक्सुअल का जो डिजायर है वो बढ़ जाता है, मेल को भी बढ़ता है फीमेल को भी। यही एक दवा है, मेल फीमेल दोनों में यूज होता है। और क्या है, अगर आपका कोई बीमारी हो रहा हो, मतलब कोई डिजीज कंडीशन में आप हो और उसके साथ वीकनेस हो, उसके साथ क्या है हार्ट का बीमारी जिसका रहता है, लगभग किसी का अगर ब्लड प्रेशर है या तो हार्ट का कोई बीमारी है तो उसका जनरली वीकनेस से होता है, या तो फिर कोई दिक्कत के वजह से सेक्सुअल रिलेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो उस स्थिति में इसको आपको नहीं लेना है। मतलब बोलने का मतलब अगर आपका हार्ट का कोई बीमारी है और साथ साथ अगर इधर का भी बीमारी है सेक्सुअली का, तो कृपा करके आप इसको अपने अंदाजे से नहीं लीजिए, कोई डॉक्टर के सलाह से ही लीजिए, क्योंकि उसका डोज मात्रा कितना दिन खाना वो सब अलग अलग होता है। मेरा वीडियो देख के मत खाइएगा, ये एक इसका है कि मत खाना है, लेकिन आम जनरली आप लोग ले सकते हैं, इतना सारा इसका दवा है। आप खाने के बारे में कुछ बता देते हैं, नहीं किसको खाना है, जिसका हार्ट का बीमारी हो वो शायद इससे दूर रहें या तो फिर कोई डॉक्टर के सलाह से ही खाएं। दूसरा बात, इस खाने का नियम क्या, देखिए तो अगर नॉर्मल इंसान खा रहे हैं उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और आनंद लेने के लिए खाना है तो उसको जनरली 20 बूंद 1-2 चम्मच पानी में समूचा दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, खाना के आधा घंटा पहले। ये नॉर्मल आदमी के लिए है, लेकिन आपका अगर कोई थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं कोई इजैकुलेशन हो रहा है, स्पर्माटोरिया हो रहा है, नाइट फॉल्स हो रहा है, कुछ भी हो, तो फिर आपको इसको 30 बूंद तक लेना है और दिन में 3 बार लेना है, तो फिर आपको काम ठीक हो जाएगा और आप सुस्त भी हो जाइएगा और बहुत अच्छा काम भी होता है। तो जनरली इसको कितना दिन तक लेना है, देखिए अगर नॉर्मल इंसान है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मेरा स्ट्रांग और हो तो आप इसको 2-3 महीना तक लीजिए, लेकिन अगर आपको डिजीज कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, इसको आपको 6 महीना तक लेना चाहिए और धीरे धीरे इसको बंद कर देना, नहीं रोज इसको लेना नहीं है, 6 महीने के बाद 2 महीना गैप करके फिर आप ले सकते हो। ये नॉर्मल बात है, किसी को कोई हानि होगा नहीं, सिर्फ एक चीज़ मेरा अनुभव के हिसाब से, अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इसको ले लेना है। और क्या करना है, अब आते हैं कि अगर आप डॉक्टर हो
तो मैं कहूंगा कि अगर नया नया डॉक्टर है तो इसको प्रेस्क्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज कोई भी पैटर्न अगर आप प्रेस्क्राइब कीजिएगा तो फिर ओरिजिनल जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है उसको भूल जाइएगा कि इसी पे आपको आधार हो जाएगा और जनरली अपना माइंड चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको नहीं देके भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपको ठीक करता है, परमानेंट ठीक करता है। ये सब चीज से आपको परमानेंट ठीक होगा नहीं, भले ही आपको थोड़ा सा हेल्प मिले लेकिन परमानेंट ठीक आपको होगा नहीं। आपको कोई डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, लेकिन अभी आप नॉर्मल है, थोड़ा सा दिक्कत है तो आपको इसको लेना चाहिए और ठीक हो जाइएगा। और कुछ पूछना है, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमको कमेंट कीजिए, जैसे कि सबको आंसर देते हैं आपको भी देंगे।